हो, अधिकारी हो, थाना प्रभारी हो, थाने के लोग हो, पुलिस प्रशासन के लोग हो, वो सारे जो है घुसखोर हो गए हैं, बेईमान हो गए हैं। वो उनका तस्वीर जो है अपने सोशल मीडिया अकाउंट के स्टोरी में लगा लेता है, इसका खमियाजा उसको अपने जान जाने तक की कीमत से चुकाना पड़ा। उसे इतनी ब्रह्मी तरीका से पीटा गया कि कई टाके उसके सर पे हैं, कई जो है नाक से ब्लडिंग हुई, कान से ब्लडिंग का फोटो जो है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे चढ़ाते हैं, जनता दरबार लगाते हैं, जहां सैकड़ों की संख्या में सभी जगहों पे पूंजीवादी हावी है, और जहां पूंजीवाद की बात नहीं चलती है वहां पे जो है जात हावी है। अगर बात होती है मानव अधिकार की तो आज मानव अधिकार दिवस भी है, और आप देख रहे हैं गांधी मैदान में जो है सहज पल हत्थी मारकर महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं। तो आखिर इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है? समाज पार्टी के जो है जिला अध्यक्ष सौरभ जी से बात करेंगे कि आखिर क्या उद्देश्य है। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल देखने वाले तमाम हमारे दर्शकों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, इस बैठक का उद्देश्य क्या है आज? जो सबसे पहले दूसरी बात है कि मानवाधिकार दिवस है, तो उसके अवसर पे भी आप सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और आज का जो मुख्य बैठक रखा गया था उसका कारण था, हमारे जिला में लगातार कमज़ोर वर्गों के साथ, वंचित शोषित समाज के साथ अन्याय अत्याचार हो रही है, लगातार जो है इनके साथ अपराध हो रहे हैं। लेकिन हमारे जिनके ऊपर इनको रोकने की जिम्मेदारी दी गई है, जिनको जो है हमारे घर के खर्चों से कुछ हिस्सा उनको दिया जाता है ताकि हमारे वो सुरक्षा कर सके, हमारे मान सम्मान, हमारे अधिकारों की सुरक्षा कर सके, जिनको जिम्मेदारी दी गई है वो बेईमानी कर रहे हैं। आखिर ऐसा हो रहा है क्या? अभी जो हम बात करें वो यही बोल रहे हैं कि इन सभी जगहों पे, जैसे थाने के लोगों को रखा गया है कि अपराध पे रोक लगाया जाए, जिस समाज पे, जिस लोगों, जिन लोगों पे जो है अपराध हो रहा है उनको सुरक्षा मुहैया करवाया जाए, उनके तकलीफ़ को, उनके दुखों को समझा जाए, उनको दूर किया जाए, लेकिन इनके ऊपर जो है अपराधियों पर ही जो है सहयोग करने का, सपोर्ट करने का हमेशा इल्ज़ाम लगते आया है, साक्ष्य हैं कई लोगों के पास, तो सभी थानों में जो है पूंजीवाद हावी हो गई है। हमारे गया जिला के जितने भी वरीय अधिकारी हैं वो फोटोजीवी हो गए हैं, वो सिर्फ जो है जगह जगह जाकर लोगों से मिलने का फ़ोटो जो है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे चढ़ाते हैं, जनता दरबार लगाते हैं, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं, फरियादी बनकर अपना दुख तकलीफ़ लेकर आते हैं, उनके साथ फ़ोटो खिंचाते हैं, लेकिन उनके दुखों को कैसे दूर किया जाए इस पे एक बार विचार तक नहीं करते हैं। ये मुख्य कारण है कि हमारे लोग, हमारे पदाधिकारी हों, अधिकारी हों, थाना प्रभारी हो, थाने के लोग हों, पुलिस प्रशासन के लोग हों, वो सारे जो है घुसखोर हो गए हैं, बेईमान हो गए हैं, वो संविधान का जो है अपमान करते हैं, ये मुख्य कारण है। आखिर ऐसा हो रहा है क्यों? क्योंकि पिछड़े जाति के साथ सभी जगहों पर, ये नहीं कि गया जिला ही है, पूरे बिहार में शोषण हो रहा है, पूरे बिहार कहा जाए तो पूरा इंडिया में शोषण, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ये जो पिछड़ों के ऊपर जो अन्याय अत्याचार होते आए है इसका इतिहास अभी नया नहीं है, हजारों हजार वर्ष पुराना है, वर्तमान में वो चलते आ रहे हैं, तरीका बदला है, शोषण नहीं बदला है। आज भी हमारे ऊपर शोषण होती है, कहीं जातीय शोषण होती है वो नज़र आती है, कहीं इंटरनल हो जाता है जो नज़र नहीं आता, लेकिन होता है। कुछ लोगों का अभी कहना था, हम अपने साथियों को भी सुन रहे थे कि जातीय भेदभाव जो है, जातीय शोषण जो है वो शहर से ज़्यादा गांव में दिखने को मिलता है। हकीकत है कि गांव में जातीय शोषण नज़र आती है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा जातीय शोषण जो है वो शहरों में होती है जो नज़र नहीं आती है। आप थानों में चले जाइए, आप गया जिला के तमाम जो पदाधिकारी का दफ्तर है वहाँ चले जाइए, वहाँ जात के आधार पर लोगों के दुख तकलीफ़ को सुना जाता है। तो यहाँ पे हो रही है, लेकिन यहाँ नज़र नहीं आता है, और नज़र आता है तो किसी में हिम्मत नहीं होता है कि उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाए। लेकिन हमारा काम ही वही है कि वो चाहे आप कोई भी हो, आप संविधान से ऊपर नहीं हो सकते हैं, और जब संविधान से ऊपर नहीं हो सकते आप गलत करेंगे तो उसके खिलाफ़ हम आवाज़ उठाएंगे। और सर, आपके ऊपर जो है, आपके जितने भी सदस्य हैं उनके ऊपर कुछ दिन पहले हमला भी हुआ था, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, हमला क्यों हुआ था उससे पूर्व आप ये जानिए कि चपरदा गांव पड़ता आमस थाना में, जहां पे एक लड़का जो है बाबा साहब के तस्वीर को, उनके विचारों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे स्टोरी में लगा लेता है। एकमात्र गुनाह उसका यही था कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जो संविधान के निर्माता हैं उनका तस्वीर जो है अपने सोशल मीडिया अकाउंट के स्टोरी में लगा लेता है, इसका खमियाजा उसको अपने जान जाने तक की कीमत से चुकाना पड़ता। उसे इतनी ब्रह्मी तरीका से पीटा गया कि कई टाके उसके सर पे हैं, कई जो है नाक से ब्लडिंग हुई, कान से ब्लडिंग हुई, लड़का जो है बहुत जो है सौभाग्य था उसका कि वो बच गया,
वहाँ पे जो मारपीट करने वाले लड़के थे, साफ आप सुन सकते हैं वो जो लड़का रिकॉर्ड किया उसमें कि पिस्टन की बात कर रहा है। समझिए कि अगर कहीं वो इस प्रकार से अगर नहीं वो क्षमा मांगता तो उसे गोली मार दी जाती। आप समझ सकते हैं, बाबा साहब की तस्वीर लगाने के लिए उन्हीं के पीड़ित परिजनों से हम लोग मुलाकात करने गए थे, जहाँ पे हमारी संख्या भी अच्छी थी, हमारे समर्थक थे, हमारे कई साथी थे, जिला के अधिकारी थे, उन सभी के साथ हम वहाँ पे गए थे। और इतनी जनसंख्या होते हुए जो संविधान की जानकारी रखते हैं, जिनके पास प्रशासन के कानून का जानकारी है, उनके साथ वो लोग जो है गाली गलौज करते हैं, असंवैधानिक तरीके से रोक कर उनको मारपीट करने का प्रयास किया जाता है। हमारे गाड़ी के ऊपर जो है ईंट पत्थर से हमला किया गया, और जब इसका जानकारी हम लोगों ने थाना को दिया तब जाकर जो है पहला केस होता है, पहला केस उनका जिनके साथ जो है मारपीट हुई है, और कई दिनों के बाद हमारी केस होती है, लेकिन आज तक जो है गिरफ्तारी सिर्फ एक होती है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है इतने दिनों के बाद गिरफ्तारी? वही तो बोल रहे हैं कि उन सभी जगहों पर पूंजीवादी हावी है, और जहाँ पूंजीवाद की बात नहीं चलती है वहाँ पर जो है जात हावी है। आप अगर आप देखेंगे तो पुलिस प्रशासन में भी जातीय भावना होती है, और उसका ही ये जो है ये नज़ारा देखने को मिल रहा है कि इतना बड़ा क्राइम होने के बाद भी वहाँ पे अभी तक जो है गिरफ्तारी सुनिश्चित नहीं की गई है। ये बात है, तो मतलब किस जाति के साथ हमला हुआ था वहाँ पर? यहाँ पे जो हमारा रोशन है वो रविदास समाज से आते हैं, और उनके ऊपर हमला करने वाले मुक्ता जो है यादव समाज और राजपूत समाज के लोग थे। यानी पिछड़े समाज के साथ वहाँ पर भी हमला हुआ? बिल्कुल। और हम दुख की बात है कि हम जिनको अपना समझते हैं यादव समुदाय, जिन जो पिछड़ा है, हम सभी पिछड़े हैं, वो अदर बैकवर्ड क्लास में आते हैं, हम बैकवर्ड क्लास में आते हैं, मतलब वो भी हमारे साथ ही है, लेकिन इस बात को, इस भावना को नहीं समझ पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि सत्ता में हिस्सेदारी हमारी है, तो ये भावना उनके अंदर जागृत हुई है, जिसके वजह से वो जो है खास करके SC ST कम्युनिटी पे हमलावर होते हैं। उनकी हिम्मत अगर हो तो असली लड़ाई जिनसे है, जिनसे उन्हें लड़ना चाहिए, उनके साथ होनी चाहिए थी। क्यों के बारे में आप क्या सोचते हैं, उन मध्यम वर्गों के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद।